आज 5 अगस्त को फ्रेंडशिप डे है। दोस्तों, एक ऐसा रिश्ता है जिसे खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती। जरा सोचकर देखिए, बिना दोस्तों की जिंदगी कितनी बोरिंग सी लगती है। हम किसके साथ अपने दिल की बात शेयर करते और बातों बातों में किसकी टांग खिंचाई करते। हंसी मजाक, रूठना मनाना, बस यही सब तो दोस्ती है। वैसे तो दोस्ती किसी एक से नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रेंडशिप डे आखिर अगस्त के पहले रविवार को ही क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं फ्रेंडशिप डे का इतिहास। 1935 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा की थी। इसे पहली बार अमेरिका में मनाया गया था। इस अवसर पर दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड, कार्ड, गिफ्ट आदि दिए जाते हैं। भारत में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका देशों में जुलाई महीने को काफी पावन माना जाता है, इसलिए जुलाई के अंत में ही इस दिन को मनाया जाता है। करीब 60 साल पहले 1958 में पहली बार फ्रेंडशिप डे को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन के 10वें साल के मौके पर फेमस बैंड बिटलेस ने 1967 में एक गाना रिलीज किया था, विथ लिटिल हेल्प फॉर माई फ्रेंड्स। यह गाना दुनिया भर में लोगों के बीच काफी फेमस हुआ था। बॉलीवुड में दोस्ती को काफी अहम दर्जा दिया गया है, जिस पर बेहतरीन फिल्म बनाई भी गई है। इनमें खास है दोस्ती, आनंद, शोले, याराना और दिल चाहता है। दोस्ती में कमाल की बात यह है कि इसका कोई मजहब नहीं होता। हम चाहे किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, बिना किसी बंधन के हम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं।